Hello everyone, welcome back to my channel. This is Seema Saini. I hope you all are good. So student, today we are going to start a new chapter from class 9 BI book, that is chapter number 8, Reach for the Top, part 2, written by Anonymous. First of all, we'll discuss about the main characters of this chapter, then introduction and detailed summary. So let's start with main character. First character, Maria Sharapova, okay, a Russian girl. Second character, Yuri, Maria Sharapova's father. Third character, Irina Sharapova, okay, Maria's mother. So, introduction of this chapter, a Russian girl, Maria Sharapova, reached the summit of women's tennis when she was merely 18, okay? So, Maria Sharapova, जो कि Russian girl थी, जब वो सिर्फ 18 year की थी, तो उन्होंने women tennis में top तक वो गई थी, okay? उन्होंने height को touch किया था tennis में. Maria Sharapova's story of success as she became the top seeded woman tennis player in the world motivates us, okay? So, मारिया सारापोवा की जो सक्सेस स्टोरी है, मारिया सारापोवा विमन टेनिस में, वो विमन टेनिस प्लेयर थी, ठीक है, और वो टॉप तक गई थी और वो उनकी जो स्टोरी है वर्ल्ड में टॉप पे रही थी टेनिस में, और उनकी स्टोरी हमें मोटिवेट करती है. शी ओवरकेम ऑल द हर्डल एंड वोर ह्यूमिलिएशन टू इन ऑर्डर टू अचीव हर ड्रीम, ठीक है, और उनको इस सक्सेस को अचीव करने के लिए बहुत सारी हर्डल आए थे, बहुत सारी ह्यूमिलिएशन आए थे, लेकिन उन सब चीज़ों को उन्होंने पीछे छोड़ दिया था. उन सब चीज़ों को पार करते हुए उन्होंने अपने ड्रीम को अचीव किया था. मारियाज हंगर फॉर सक्सेस एंड हर कॉम्पिटिटिव स्पिरिट कैप्ट हर गोइंग. मारिया का जो हंगर था सक्सेस के लिए, वो हमेशा टॉप पे रहना चाहती थी, ठीक है, वो हमेशा ही नंबर वन रहना चाहती थी, और वो हमेशा ही उनके अंदर एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट था, और कॉम्पिटिटिव स्पिरिट में वो नंबर वन रहना चाहती थी हमेशा ही, तो इसी वजह से वो हमेशा ही आगे बढ़ती गई. सो समरी ऑफ दिस चैप्टर, this write-up about Maria Sharapova inspires us to remain determined and make sacrifices in order to fulfill our dreams. ठीक है, ये write-up हमें बताता है Maria Sharapova के बारे में कि किस तरह से वो हमें inspire करती है, किस तरह से determination होना चाहिए, किस तरह से sacrifices करने आने चाहिए अपने dream को fulfill करने के लिए. On 22nd August 2005, Maria became the top seeded player in the world women tennis player रैंकिंग्स, ओके. 22nd August 2005 में मारिया एक टॉप प्लेयर बनी थी टेनिस पे, ओके, विमन टेनिस में वो वर्ल्ड की टॉप रैंकिंग प्लेयर बनी थी, ओके, एंड सी मेड ग्रेट सेक्रीफाइजेज टू अचीव हर गोल, और उन्होंने बहुत सारे सेक्रीफाइजेस किए थे अपने गोल को अचीव करने के लिए. एट द टेंडर एज ऑफ 9 सी लेफ्ट हर होम इन साइबेरिया, ओके, जब वो 9 ईयर की थी तो उन्होंने अपने होम साइबेरिया को छोड़ दिया था, ठीक है. साइबेरिया रसिया में है, रसिया में उसका घर था साइबेरिया में, जो कि 9 ईयर में उन्होंने छोड़ दिया था टू गेट ट्रेनिंग इन टेनिस, क्योंकि उनको टेनिस में ट्रेनिंग लेनी थी. शी वेंट टू फ्लोरिडा इन USA विद हर फादर, और वो जब वो 9 ईयर की थी तो अपने फादर के साथ वो साइबेरिया से USA शिफ्ट हो गई थी, फ्लोरिडा चली गई थी USA में अपने फादर के साथ, ताकि वो टेनिस की ट्रेनिंग ले सके. मारिया सफर्ड अ पेनफुल सेपरेशन फ्रॉम हर मदर फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर्स. सो मारिया सारापोवा बहुत ही पेनफुल सेपरेशन, जो 2 ईयर का पीरियड होता है, ठीक है, मदर से दूर रहती है, और इस पीरियड को बहुत ज़्यादा सफ़र होती है इसमें, क्योंकि उनको बार बार अपनी मदर की याद आती है, उसको अपनी मदर के बिना ही रहना पड़ता है अकेले, ओके. शी कुड नॉट सी हर फादर टू एज शी रिमेन बिजी वर्किंग. वो अपने फादर को भी नहीं देख पाती, क्योंकि उनके फादर को बिजी रहना पड़ता था अपने काम में, से अरेंजिंग फंड्स फॉर ऑल आर नीड्स, क्योंकि उनको काम करना पड़ता था दिन में, ताकि वो मारिया सारापोवा के लिए उनकी फीस अरेंज कर सके, ओके. शी वॉज बुलीड बाय हर सीनियर्स एंड बींग अ फॉरनर, ओके, क्योंकि वो एक फॉरनर थी तो उनके सीनियर उनको बार बार बुली करते थे. शी हैड टू सफर ऑल दैट पेशेंटली, लेकिन वो इन सारी सफरिंग को, इन सारी चीज़ों को बहुत ही पेशेंटली हैंडल कर लेती थी, ओके. सो मारिया डिड नॉट फील डिप्रेस्ड. मारिया ने कभी भी अपने आप को डिप्रेस्ड फील नहीं किया, क्योंकि उनका सपना आगे बढ़ना था. रैदर शी वॉज प्रिपेयर्ड फॉर ग्रेटर इंसल्ट टू इन ऑर्डर टू अचीव हर एम. अपने ड्रीम को अचीव करते करते, ठीक है, उनको बहुत सारी इंसल्ट को फेस करना पड़ा, लेकिन वो इसके लिए रेडी थी, ठीक है, क्योंकि उनको अपना ड्रीम पूरा करना था, अपने ड्रीम को अचीव करना था, इसलिए वो इस सब को भूल के आगे बढ़ती गई.
हर मंत्र फॉर सक्सेस इज टू वर्क हार्ड एंड फेस द टफेस्ट कॉम्पिटिशन। उनका जो मंत्र था सक्सेस का वो था कि वर्क हार्ड करना है, ठीक है, और टफेस्ट कॉम्पिटिशन को विन करना है। ओके, ऑल दो शी वॉज ट्रेन इन USA, जबकि उनकी ट्रेनिंग USA में हुई थी, सी कंसिडर हर सेल्फ टू बी रशियन, लेकिन फिर भी वो अपने आप को रशियन मानती थी, एंड इज विलिंग टू रिप्रेजेंट रशिया एट ओलंपिक्स टू। और वो चाहती थी कि वो ओलंपिक्स में रशिया को रिप्रेजेंट करे। ओके, रशिया को वो रिप्रेजेंट करना चाहती थी। हर फेवरेट हॉबीज आर फैशन, सिंगिंग एंड डांसिंग। ओके, और उनकी जो फेवरेट हॉबी थी वो फैशन था, सिंगिंग था और डांसिंग था। ठीक है, वो फैशन, सिंगिंग और डांसिंग में इंटरेस्ट लेती थी। शी लव्स रीडिंग नॉवल रिटन बाय आर्थर कैनन डॉयल। ओके, और उनको नॉवल पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद था। ठीक है, आर्थर कैनन डॉयल के लिखे हुए नॉवल्स उनको बहुत ज़्यादा पसंद थे और उनको वो रीड करती थी। हर लव फॉर फैशनेबल इवनिंग गाउन इज इन कॉन्ट्रास्ट टू हर लाइकिंग फॉर पैनकेक्स एंड चॉकलेट स्प्रेड एंड ऑरेंज फ्लेवर्ड एरेटेड ड्रिंक्स। ओके, और उनको बहुत पसंद था इवनिंग गाउन्स पहनना, फैशनेबल इवनिंग गाउन पहनना। ठीक है, और साथ में उनको पैनकेक्स बहुत ज़्यादा पसंद थे और चॉकलेट खाना उनको बहुत ज़्यादा पसंद था और उनको ऑरेंज फ्लेवर्ड ड्रिंक पीना बहुत ज़्यादा पसंद था। एंड द मोनेटरी गेंस एंड द फेम इनकर्ड बाय मारिया आर वेल डिजर्व्ड। ओके, और इस तरह से वो आगे बढ़ती गई और अपने फेम तक, अपने वर्ल्ड की टॉप रैंक तक वो पहुंची। सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड वेरी वेल। दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, टेक केयर।